देख भी गया फिर जो आज का वो मंदिर भवन था जो अभी दौरा कर रहे हैं यहाँ, इसमें किस तरह फीडबैक आ रहा है, क्या चल रहा है? ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो 90 विधानसभाओं के 290 मंडल हैं, 290 मंडलों की बैठक लेने का कार्यक्रम हमने पिछली जो प्रदेश कार्य समिति थी उसमें तय किया था, और ये 15 जुलाई तक लगभग सभी बैठकें संपन्न हो जाएंगी। ये बैठकें लेने के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सब सरकार के मंत्री, सांसद और कुछ वरिष्ठ नेता, इनकी हमने जिम्मेवारी लगाई है। एक दिन में 3 से 4 जो मंडल हैं एक विधानसभा के, उनकी अलग अलग बैठकें करनी है, और उसमें पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ताओं को बुला करके उससे पार्टी के बारे में चर्चा करनी, पार्टी की हमारा जो तौर तरीका है काम करने का उसकी चर्चा करनी, और कार्यकर्ताओं ने जो बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की दिलाई है इन बैठकों में उन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन भी हम लोग जाकर के कर रहे हैं। इसके अलावा पदाधिकारियों के साथ बैठना, हमारे जो शक्ति केंद्र प्रमुख हैं उनके साथ बैठना, बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख, ऐसे सब कार्यकर्ता इन बैठकों में आते हैं। साथ ही साथ इन बैठकों में जो हमारा पूर्व का जो चुनाव था उसकी समीक्षा करना, कमजोर बूथों की समीक्षा करना और पन्ना प्रमुखों की जो व्यवस्था उसकी भी समीक्षा करना, ये सारी बातें इसमें कर रहे हैं। और साथ के साथ जो हमारा संगठन का पर्व है, इस संगठन पर्व पर हम पार्टी की सदस्यता ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से करें इसकी जिम्मेवारियाँ लगाई जा रही हैं, और सदस्यता के साथ साथ हम एक आग्रह भी कर रहे हैं कि हर बूथ के ऊपर जहाँ हम सदस्यता करने के लिए जाएँ वहाँ पर कम से कम 5 पेड़ अवश्य लगाएँ। ये प्रमुख काम इन बैठकों में हम लोग दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब की बार क्षेत्र देखिए उसके लिए सारी बातें हो रही हैं, हमारा संगठन मजबूत हो रहा है, हमारे पन्ना प्रमुख तक की समीक्षा हो रही है, ये 75 पार के लिए ही है, और एक तरफ तो हम 75 पार के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, हमारा पन्ना प्रमुख तो बन गया है, दूसरी तरफ कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी जिसने लंबे समय तक देश पर राज किया, आज वो अपने ना प्रदेश का संगठन बना पा रहे हैं ना जिले का संगठन बना पा रहे हैं, और कैंपेन कमेटी जो बनी थी उसको भी डस्टबिन में डाल दिया जाता है। तो ये तैयारियाँ जब हमारी इतनी व्यापक हैं और विरोधी दल कांग्रेस के हालात और दूसरा दल बिखर चुका है, तो 75 पार करने में इतना मजबूत जब संगठन हो तो कहीं कोई दिक्कत आती नहीं, जनता का आशीर्वाद मिलता है। बीजेपी इनेलो के जो नेता है बीजेपी में जा रहे हैं सेटिंग राज्यसभा की सीट के लिए और शिफ्ट हो रहे हैं जाने रहे हैं तो अपनी पार्टी के उनके नेता छोड़ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में क्या कहेंगे दिग्विजय जी, वो भी शिफ्ट हो रहे हैं क्या? ये मन को बहलाने के लिए बात कर रहे हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी की जो लोकप्रियता है, भारतीय जनता पार्टी का जो सेवा भाव है उसको देख करके, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो हमने सबका साथ सबका विकास इस नारे को सार्थक किया उसको पूरा किया है, हरियाणा प्रदेश में पारदर्शी शासन दिया, ईमानदार शासन दिया, जवाबदेह शासन दिया, किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी उद्योगपति सब वर्गों के लिए जो काम हुआ उससे प्रभावित होकर के लोग आ रहे हैं। दिग्विजय जी को इस प्रकार के मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि कुछ लोग शिफ्ट हो रहे हैं। सर दूसरी बात में मिली सपना चौधरी बीजेपी में गई है, क्या बीजेपी ना चुनाव वालों को इकट्ठा करके वोट लेगी? देखिए वैसे तो दिल्ली में शामिल हुई है सपना चौधरी, तो दिल्ली के लोग जवाब देंगे, लेकिन मैं एक बात दिग्विजय जी को कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में मोदी जी के नेतृत्व में चली, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चली, इस सरकार ने जो हमारी पार्टी का मकसद है गरीब कल्याण का, सबका साथ सबका विकास का, इस मकसद को पूरा किया है। हमारी पार्टी के किसी नेता पर कोई आरोप नहीं लगा, हमारी पार्टी चाहे वो केंद्र की सरकार चला रही हो या हरियाणा प्रदेश की हमारी सरकार चल रही है पार्टी की, इसमें एक भी नेता पर कोई आरोप नहीं लगा, इसलिए इस प्रकार के वो बातें करके कोई ध्यान बटाने का जो प्रयास है मुझे नहीं लगता इस प्रकार की बातों में कहीं कोई दम नहीं। 2 दिन पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तंवर जी ने एक कमेटी बनाई थी कांग्रेस की, जो हरियाणा प्रभारी है तो उसने उसको खारिज कर दिया, उसके बाद भी वो मीटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो प्रभारी जी हैं उनको गलत फीडबैक दी जा रही है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? तो मैं तो जब जींद का उपचुनाव हुआ था
उसके बाद से एक बात कहता हूँ, जिस प्रकार की भाषा, जिस प्रकार की स्टेटमेंट अशोक तंवर दे रहे, जिस प्रकार की कार्यप्रणाली उनकी, वैसे तो कांग्रेस पार्टी का काम है वो देखें, लेकिन एक सलाह मैंने तब भी दी थी, आज भी दे रहा हूँ कि उनको अशोक तंवर की थोड़ी संभाल लेनी चाहिए कि इस प्रकार की जो बातें उल्टी सीधी करते हैं वो क्यों करते हैं।